नहीं मिला बहुमत तो पीएम मोदी दे इस्तीफा, समर्थकों में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव से उनकी बात हुई तो वह कह रहे हैं कि जहां पर सपा के प्रत्याशी जीत गए हैं वहां पर उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी चीफ ने आगे कहा कि इतने अत्याचार करने के बाद भी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मोदी जी और अमित शाह के इस अहंकार के कारण इंडिया जीत गया और मोदी हार गए, वे अयोध्या में भी हार गए। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं किया। प्रधानमंत्री अपनी साख खो चुके हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस बार 400 पार, मैंने आपसे कहा था कि 200 पार भी होना होगा या नहीं पता। अब उन्हें टीडीपी और नीतीश के पैर पकड़ने होंगे, अब इच्छा के अनुसार कानून नहीं बना सकेंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ने राहुल पर वार करते हुए कहा, राहुल को भी बधाई दी है पर कोई जवाब नहीं आया क्योंकि व्यस्त रहे होंगे, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है, मेरा कुछ आता जाता नहीं। मैंने कहा था उनसे 2 सीट ले लो, लड़ लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। मेरी बात नहीं माने, मेरी बात सही हुई कि नहीं हुई? उन्होंने बताया कि मैंने अखिलेश जी से बात करी है और उनको बधाई दी है। अखिलेश ने मुझसे कहा है कि कई सीटों पर जीतने के बाद भी उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस संदेश खाली को लेकर ऐसा दुष्प्रचार किया वहां भी हम जीते।